नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत आपका आपके अपने चैनल बेसिक मैथ एंड जीके विद अमित में। आज हम हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एजुकेशन फील्ड में जो पद भरे जाएंगे उनके ऊपर बात करेंगे, साथ ही साथ जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती चली हुई है उसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। इसके साथ साथ JYT और JVT की जो अपडेट आजकल चली हुई हैं उनके ऊपर बात करेंगे, और जो कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट हैं उनके ऊपर भी आज बात करेंगे। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि फर्दर हम जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट लेके आएँ उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले अपडेट हम जो है पुलिस कांस्टेबल भर्ती से देखते हैं, जिसमें टोटल 1334 पद हैं। इनका जो फिजिकल टेस्ट है वो 9 से इसी मंथ से शुरू हो जाएगा, और इसमें हम टोटल आवेदन की बात करें तो 187,476 टोटल आवेदन हुए हैं। हम इसके प्रोसेस की बात करें तो जनवरी मंथ तक जो है ये टेस्ट आगे होंगे। तो बहुत बड़ी अपडेट है जो कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती से है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अपडेट एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट से होगी, जिसमें टोटल 2640 पद भरे जाने हैं। जिसमें हम बात करें तो डायरेक्ट जो होंगे हिमाचल प्रदेश कर्मचारी आयोग द्वारा वो 1300 पद भरे जाएंगे। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो अपडेट करी थी जिसमें जो 4000 पद भरे जाने हैं एलिमेंट्री एजुकेशन और हायर एजुकेशन में, उनके बारे में डिटेल में बताया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं। हम एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें तो इसमें जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं उनके 870 पद, और जो ड्राइंग मास्टर हैं उनके 820, और जो JVT है उनके 810 पद भरे जाएंगे, और जो नॉन मेडिकल कमीशन है उसके 87 पद जो है इसमें भर जाएंगे, और शास्त्री की बात करें तो उसमें 53 टोटल पद भरे जाएंगे। ये सभी जो हैं वो जो बैच वाइज के होंगे या फिर जो डायरेक्ट भर्ती होंगे उन सभी को मिलाकर है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करें तो इसमें 1300 पद भरे जाएंगे, जिसमें 50% जो हैं अभी जो टोटल 2640 हैं उसमें बैच वाइज, और जो डायरेक्ट हैं वो 1300 पद उसमें भर जाएंगे। जो 1300 पोस्ट डायरेक्ट हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से भरी जानी हैं उनमें जो TGT मेडिकल और TGT आर्ट्स हैं उनकी कोई भी पोस्ट जो है नहीं भरी जाएगी। तो आप यहां पर देख सकते हैं जो भी यहां से भरी जाएंगी, और इसमें साथ ले लिया यहां पर मेंशन करा है कि जो डाटा है वो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भेज दिया गया है, अब कभी भी जो है इसकी नोटिफिकेशन आ सकती है, और जो नया सेशन स्तर होगा तब तक जो है इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये बात यहाँ पर क्लियरली मेंशन करी है। नेक्स्ट बात हम मल्टीटास्क वर्करों के ऊपर करेंगे, जिसमें 8000 पद भरे जाने हैं, जिसमें 4000 पद जो हैं वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री के अनुशंसा से भरे जाएंगे, जैसे कि वहाँ पर क्लियरली मेंशन हुआ था स्टार्टिंग में ही, और नेक्स्ट 4000 पद जो हैं वो डायरेक्ट भरे जाएंगे। तो जिसमें जो दूरी के आधार पर जो है एक रेटिंग स्केल रखा था कि जो जितने नज़दीक होगा उसको उतने ही जो रेटिंग पॉइंट दिए जाएंगे। साथ ही साथ इसमें कुछ ऐड भी करा है कि जो स्कूल के लिए भूमि देगा उनको भी जो है अलग से ज़्यादा पॉइंट दिए जाएंगे, तो ये थोड़ा सा इसमें ऐड हुआ है। साथ ही साथ जो कैटेगरी से बिलोंग करता होगा उनके लिए भी जो है इसमें यहाँ पर अलग से नंबर ऐड हुए हैं। तो ये बात जो है अब पंचायत सेक्टरों के माध्यम से होगी कि कौन जो है कितनी दूरी पर है। पहले ये बात जो है पटवारियों के पास थी तो उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया था, और अब जो है ये बात जो पंचायत सेक्रेटरी होते हैं उनके पास पहुंची है, तो वहां से जो है ये दूरी का सर्टिफिकेट बनेगा। पहले जो पंचायत सेक्रेटरी हैं इन्होंने भी मना कर दिया था तो बात जो है PWD के पास पहुंच गई थी, बट अब जो है फिर से फैसला हुआ है कि जो पंचायत सेक्रेटरी होंगे वही जो है जो दूरी का प्रमाण पत्र है वो देंगे। तो यहाँ पर भी एक पॉजिटिव पॉइंट निकला है कि हो सकता है कि जल्द जो है इसकी कार्रवाई जो है होना शुरू हो जाए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अपडेट पटवारियों से संबंधित है कि उनका जो परीक्षा परिणाम है वो कल जो है वो वेबसाइट के ऊपर डल जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ी अपडेट है क्योंकि उनकी भी ट्रेनिंग हो चुकी है और उसके बाद जो है उनका रिजल्ट आना बाकी था, तो अब जो है उनका सोमवार को जो है इनका रिजल्ट निकल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे JYT JVT PTI NTT के ऊपर। कुछ दिन पहले जो उपचुनाव चले हुए थे जिसमें खासकर JYT और JVT वालों जो कैंडिडेट थे उन्होंने काफ़ी प्रेशर बनाया हुआ था, तो उनकी मेहनत के फलस्वरूप जो है जो विपक्ष के नेता हैं विक्रमादित्य जी उन्होंने जो JYT वाले हैं उनको होली लॉज अपने निवास स्थान में बुलाया था। तो जो JYT के कैंडिडेट हैं वे उनसे उनके निवास स्थान पर जाकर मिले भी हैं, उन्होंने जो अपना फेसबुक पेज है उसके माध्यम से सारी जानकारी प्रोवाइड करवाई थी। जब उपचुनाव चला हुआ था तो ये विषय काफ़ी उठे थे क्योंकि जो गवर्नमेंट बनी है उनके कार्यकाल में काफ़ी भर्तियाँ जो कोर्ट में फंसी हुई हैं। अब गवर्नमेंट को भी जो है इन सभी बातों का एहसास हुआ है और उन्होंने इनके ऊपर जो है जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात कही है, और जो दिव्य हिमाचल के संवाददाता हैं उन्होंने अपनी जो अपडेट देते हैं उनके माध्यम से उन्होंने कहा है कि जो विद इन मंथ है
उनके बीच जो है इन सभी के ऊपर कार्रवाई होना शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है, हो सकता है कि हमें जल्द से जल्द जो है इन सभी विषयों के ऊपर जो क्लियरली जो डिसाइडेड निर्णय हैं वो देखने को मिले, क्योंकि गवर्नमेंट अब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि आगे भी एक साल के बाद चुनाव होने हैं। नेक्स्ट लास्ट अपडेट जो है हम वन रक्षक भर्ती से देखते हैं, जिसमें आज 7 तारीख को जो है 8160 अभ्यर्थी जो है इनकी लिखित परीक्षा देंगे, और इसका जो पेपर है वो भी आपको कुछ देर के बाद जो हमारे फेसबुक पेज के ऊपर और साथ ही साथ जो यूट्यूब चैनल है उसमें देखने को मिलेगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।